कहीं मत जाओ। वो हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, शायद पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। और फिर क्या वो हमें मार देंगे? मार देंगे? क्या मतलब है कि हमें मार देंगे? शांत हो जाओ, वो हमें सुन सकते हैं। कोई भी किसी को मारने वाला नहीं है। अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वो इंजेक्शन सही कर देते जो उन्होंने हमें दिए थे। तो उन्होंने हमें किस चीज से इंजेक्ट किया? क्या वो हमें मारने वाले हैं? नहीं, वो हमें मार नहीं सकते, वो हमें सिर्फ बंदी बनाकर रख सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें प्रिजन कैंप तरफ ले जा रहे हैं। वो कैंप था, वो वापस लौट रहे होंगे। वो शायद हमें गांव से पहाड़ों की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? आखिर पहाड़ी क्यों? हमें जल्द ही पता चल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि इस गोली की कीमत क्या होगी? $1 या $2 शायद, थोड़ी और सस्ती। तुम क्यों पूछ रहे हो? तो इंसान की जिंदगी की आखिरी ही कीमत है $1 या $2। तुम्हें इंसान की जिंदगी की कीमत इतनों को मारने के बाद पता चली? तो ये कहना सही रहेगा कि कोई चीज जितनी ज्यादा मौजूद होती है उतनी ही सस्ती भी हो जाती है। गोलियां बहुत ज्यादा है इसीलिए वो सस्ती है। इंसान भी बढ़ते बढ़ते अपनी कीमत खो रहे हैं। $2, ये बहुत ही अजीब बात थी। सुनो, अगर कैप ये सुन लेता तो वो तुम्हें अपने ही हाथों से गोली मार देता अपनी $5 की गोलियों के साथ। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं ठीक हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। सुनो, हम यहां से भाग सकते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उनके पास बंदूकें हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, वो हमें मार डालेंगे। प्लीज मुझे बताओ कि तुम इतने शांत कैसे बैठे रह सकते हो? क्या मतलब है तुम्हारा ऐसे शांत? मेरी तरफ देखो, मुझे तुमसे ज्यादा डर लग रहा है, पर मैं उसे दिखा नहीं रहा हूं। बस जो भी हो, सुनो, अगर हम एक साथ हमला करें तो हम उनके कुछ ना कुछ हथियार तो छीन ही सकते हैं। ये शायद हमारा आखिरी मौका हो। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम मर भी गए तो कायरों की तरह नहीं मरेंगे। हाँ, क्या कहना है तुम्हारा? हाँ, हे, क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ, मैं हूं। बढ़िया, जब वो हमें उतारे तो मेरे इशारे का इंतजार करना। हम एक साथ हमला करें तो उन्हें मात दे सकते हैं। हमारे पास ज्यादा लोग हैं, ये हमारा आखिरी मौका हो सकता है। उनके पास हमसे कम लोग हैं, ये हमारा आखिरी मौका हो सकता है अगर हम कामयाब हो। ठीक है, और दूसरे ट्रक का क्या? वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और अगर वो नहीं जुड़े तो क्या अरविंद? हमारे पास कोई और चारा नहीं है। नहीं, नहीं, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ।
हम उसे गोली मार देंगे। अच्छी आइडिया है, गोलियां बर्बाद मत करो, जाओ उसे यहाँ लेकर आओ। नहीं। गोली मत चलाओ, ठीक भाग रही हूँ। बंद करो। शांत हो जाओ। देखो तुम्हारी वजह से हमारा कितना वक्त बर्बाद हो गया। हमें तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए बताओ मुझे। रस्सी लाओ। प्लीज 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 उसका मुंह बंद करो, उससे दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वेक्टर ड्रग्स। मैं भीख मांग रही हूँ, भीख मांग रही हूँ, प्लीज छोड़ दो उसे। नहीं छोड़ दो उसे। काफी है, उसे जाने दो। नहीं चलो बाहर निकलो, निकलो यहां से, चल ले, चलो चल ले, आगे बढ़ो, चलो 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 निकलो, चलो। चलो चलो
ए, आगे बढ़ो। चलो चलो आगे बढ़ो। हाँ भाई रुक जाओ, हिलना मत। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो उन पर कभी भरोसा नहीं करता। तुम यहां बिल्कुल अकेले हो। तुमने इन पर भरोसा किया, ये है तुम्हारे दोस्त। हाँ क्यों, क्या हुआ? वो डर से जमे हुए हैं। और किसी को कहीं पर भागना है? हाँ जरा बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, इसे लाइन में वापस लाओ। ठीक है सब ठीक है। वो भी जी सकते हैं। हाँ उनके पास बचने का मौका था। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, अगर हमें तुम्हारी जरूरत ना होती तो तुम यहां पर नहीं होते। कोई तुम्हारा पीछा नहीं करने वाला, मेरा वादा है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो जैसे तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं तुम्हें यही मार सकता हूं, पर जैसा कि तुम देख सकते हो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, मैं तुमसे अच्छे से पेश आ रहा हूं। अब यहां से जाओ। चलो, चलो चलते हैं, चलते हैं। एजला, मेरा हाथ पकड़े रखना, अगर हम अलग भी हो गए तो मेरा पीछा करती रहना। क्या तुम उस पर यकीन कर रहे हो? सही है, जब तक हमें गोली नहीं मारी जाती हम बच सकते हैं। तुम भाग क्यों रहे हो? उसने बोला कि वो मानेंगे मेरे नहीं। लिए रुको प्लीज, मैं भाग नहीं सकता। चलो 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 यहां से, चलो जल्दी चलो, यही मौका है। चलो चलो निकलो यहां से, चलो जल्दी रहो। Ugh!
उन सबको मार दो। जल्दी मेरे साथ। चलो चलो भागो। एजला झाड़ियों की तरफ भागो भागो, मैं भी आ रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम पागल हो क्या? मैंने कहा भागो एजला भागो। उठो मुझे पकड़ो, चलो जल्दी कोशिश करो। तुम कर सकते हो एजला, एजला। एजला एजला एजला, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ? नहीं नहीं, मुझे गोली नहीं लगी है, मैं किसी पेड़ से टकरा गई थी। एजला, जख्म को कसकर पकड़ो, उसे ठीक से पकड़े रहना। इधर आओ, मुझे पकड़ लो, यहाँ आओ, मुझे पकड़ लो, ठीक से पकड़ो, कसकर। ठीक से पकड़े रहना। मैंने कर दिखाया, मैं यहाँ हूँ। वो हमें मार देंगे, वो हमें ढूंढ लेंगे। चुप रहो, चुप रहो। चुप रहो। हम निकल रहे हैं। उन्होंने बचने की बहुत कोशिश की, वो फिर भी बच नहीं पाए। चमत्कार का इंतजार कर रहे थे जो कि नहीं हुआ, और ये रहा नतीजा। फ्रॉम हेडक्वार्टर टू 55, हमने उसे संभाल लिया है।
फ्रॉम हेडक्वार्टर टू 55। 55 कॉपीज। तुम्हें कैप्टिव को लाना होगा, वो कहते हैं ये जरूरी है, कुछ तो गलती है। वो अब नहीं बचे। डैम इट, फिर से जांच करो और तो और जख्मी लोगों को भी वापस लाओ। इजला, एजला, शांत हो जाओ, सब ठीक है। वो लोग चले गए पर हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मुझे पानी चाहिए। क्या हुआ? प्लीज आज कुछ नहीं करते हैं, कोई शायद अब भी यही है, कल तक इंतजार करते हैं। ठीक है, यहीं रुकते हैं, यहाँ आ जाओ। उसने हमें छिपते हुए देखा था, इसलिए वो हमारे तरफ आया, पर वो बच ना सका। नहीं, मुझे पता है, वो देख नहीं सकता था। उसने बताया था जब मैं उसके साथ था, उसे दिखाई नहीं दे रहा था।
वैसे भी वो बच नहीं पाएगा, उसका बहुत खून बह गया है। तुम्हें क्या लगता है ये जगह कहाँ है? दूसरी तरफ क्या है? क्या यहां से निकलने का कोई रास्ता है? ऐसा लग रहा है जैसे इसे झरने ने बनाया हो, या शायद इंसानों ने बनाया हो। ये गहरे निशान लग रहे हैं। मिट्टी की ऊपरी परत मुलायम होती है, पर नीचे की तरफ वो बहुत सख्त होती है। लगता है यहां से बाहर निकलना आसान नहीं होने वाला है, पर मुझे लगता है हमें कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। नहीं, नहीं। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, आज नहीं। ठीक है, शांत हो जाओ, आराम से रहो। मदद क्यों नहीं की तुमने? उन्हें मुझे गोली क्यों मारने दी? उन्हें पता चल जाएगा रॉन तुम यहां पर हो। हे हे रॉन, रॉन नहीं रॉन, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, ऐसा मत करो। मैंने भी तुमसे भीख मांगी थी, वो तुम्हारी बीबी का रेप करेंगे और तुम्हारा खून पी जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो रॉन। रॉन,
क्या क्या हुआ? कुछ मत बोलो। क्या वो वापस आ गए? बस इधर आ जाओ, वहां पर कोई है। शांत रहते हैं, वो शायद हम पर हमला कर दे। मैंने कहा था वे लोग जानवर हैं। पर वो लाशें हैं। हाँ, वो उन्हें खा रहे हैं। वो इंसानों का मांस खाते हैं। वो लोग अपना पेट भरेंगे और कुछ दिन तक मजे करेंगे। ऐसा मत कहो। मैं क्या कहता हूं उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये सच्चाई है। जलाने से उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा, और वो यहाँ नीचे आए तो? बात उल्टी है। जानवरों को आग से डर लगता है। आग ही हमारा इकलौता हथियार है उनके खिलाफ। जख्म कैसा है? दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, थोड़ा खून बह रहा है पर दर्द नहीं हो रहा। हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? कैसी हो तुम? दर्द हो रहा है क्या? थोड़ा सा, पर अगर हम यहां से बाहर नहीं निकले तो इन्फेक्टेड हो जाएगा। हम निकलेंगे, हम जरूर निकलेंगे इस पेड़ की मदद से। ये सारे पेड़ हमारी मदद नहीं कर पाएंगे,
ये सूखे और कमजोर लग रहे हैं। मुझे पता है, पर मुझे लगता है कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए। मैं इन सबको एक साथ में जोड़ूंगा, फिर वहां ऊपर फेंक दूंगा। और फिर? फिर हम अपने कपड़ों को एक साथ करेंगे, गांठ बांधेंगे और ऊपर चढ़ जाएंगे। क्या तुम्हें यकीन है? नहीं, यकीन नहीं है। कपड़ों को गीला क्यों कर रहे हो? गीले होने के बाद वो और मजबूत बन जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? मुझे लगता है यहां रहना और भी खतरनाक है। पकड़ो इसे।
थोड़ा पीछे हो जाओ। पहले जा सकती हूँ क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे हल्की हूँ। नहीं, तुम्हें चोट लगी है। देखो इसको, ये टाइट है, मुझे संभाल लेगा। प्लीज ध्यान रखना। फिक्र मत करो। मैं बस पहुंचने ही वाला था। हमें यहां से निकलना ही होगा वरना ये हमारी कब्र बन जाएगी। ठीक है, आराम करो। हाँ, इसे पहन लो, अपने जख्म को बढ़ने मत दो। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और शायद ये पानी भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। हम गोली खाकर तो नहीं मरे पर भूख से जरूर मर जाएंगे। नतीजा तो एक ही रहेगा, तुम कौन सा चुनना चाहोगी, एक आसान मौत एक गोली से या यहां भूख से मरना, धीरे धीरे तड़प कर मरना, धीरे से। भूख तुम्हारे अंदर के फिलोसोफर को बाहर ला रही है। मुझे पता है हम यहां से बाहर निकलेंगे, मैं जानती हूं हम निकलेंगे।
मैं भी। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? हमें इसी की जरूरत है। हम पहाड़ों के बीच हैं और पानी यहाँ जमा हो जाएगा। ये जगह तालाब बन जाएगी। पर मुझे तैरना नहीं आता है। तुम डरो मत, मुझे नहीं लगता ये बारिश ज्यादा देर तक चलेगी, जल्दी रुक जाएगी। और अगर नहीं रुकी तो? वो रुकेगी। आओ। अगर बारिश नहीं रुकी तो हम डूब जाएंगे। अगर थोड़ी भी बारिश हुई तो ये जगह कुआं बन जाएगा। तो अब अगर थोड़ी भी बारिश हुई तो उससे बाढ़ आ जाएगी। पकड़ो इसे, जोर से पकड़ो। एंजेला, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे जोर से पकड़ो, पकड़ो मुझे, सांस लो। देखो बारिश रुक गई है, मुझे पकड़े रहना, पानी का लेवल गिर जाएगा। नेचर ने हमें एक और मौका दिया है अरविंद। पीने का जो भी पानी था वो सब खत्म हो चुका है। ढूंढ सकते हैं। शांत हो जाओ।
बिल्कुल मत डरो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, शांत हो जाओ। अगर वो ट्रैवलर हुए तो क्या होगा? हमें शायद पता ना चले। आसपास देखो, शायद कोई घायल पड़ा हो। शायद वो हमें बचाने आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, उनके पास बंदूकें हैं। तो वो जख्मी लोगों को क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अगर हम यहां से नहीं निकले तो हम उसी की तरह मर जाएंगे। हमारे पास कोई खाना नहीं है। मुझे लगता है तेज बारिश ही हमारी मदद कर सकती है। अरविंद, अगर हमने खाना नहीं खाया तो हम कमजोर होते जाएंगे। बस इतना कर सकते हैं कि बारिश का इंतजार करें। हम सिर्फ पानी पर नहीं जी सकते। अगर हम बच भी गए तो हमारे पास भागने के लिए ताकत नहीं होगी। हम एक और दिन यहां पर रहेंगे। फिर से जानवर? हाँ, भले ही यहाँ पर बारिश हुई हो पर हमें आग तो जलानी ही पड़ेगी। हमें उन्हें डराना ही होगा। तुम उन्हें इस तरह नहीं डरा सकती हो। क्यों नहीं? देखा, कोई आवाज नहीं, वो डरकर भाग गए हैं। Hey! क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो?
Damn it. शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एजला, एजला, एजला रुको, एजला वो मर चुका है, छोड़ दो उसे। इंसान नहीं था। क्या? वो वही इंसान नहीं था, ये उसका पुनर्जन्म था। पुनर्जन्म? हाँ, तुमने देखा ना, वो यहां पर हमें काटने आया था। वो हम में से एक था, वो हमारे साथ आया था। आया तो था। उसका जख्म बढ़ गया था। वो जो भी था उसने हम सबको इन्फेक्ट किया है। प्लीज मेरी गर्दन की तरफ देखो, क्या वहां कुछ गड़बड़ है? ये बिल्कुल ठीक है। बस एक सुई का निशान है। जरा मेरा भी देखना। क्या हुआ एजला, वो ठीक है ना? नहीं, फिक्र मत करो, सब ठीक है। अगर ये ऐसा है तो हम पर किसी तरह का असर क्यों नहीं हुआ? मुझे तो लगता है कि हम सब पर अलग अलग असर हुआ है, हमारे इम्यून सिस्टम के हिसाब से। कुछ लोग इम्यून होंगे और कुछ लोग शायद से इम्यून नहीं होंगे। हाँ, और शायद कुछ लोगों पर असर धीरे होगा। तो उन्होंने जो टेस्ट बनाया था वो फेल हो गया? हाँ। इंजेक्शन ने बस हमें थोड़ा गुस्सा दिला दिया, बस इतना ही। तो जो फेल हुए वो नाकाम कोशिशें थी, पर वो गलत थे। कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव भी है। एजला, मुझे अपना चेहरा धोना है। नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। हाँ।
तुम ठीक तो हो ना? तुम रो क्यों रही हो? नहीं, मैं ठीक हूं। मैं बस डरी हुई हूं कि हम यहां से नहीं निकल पाएंगे। सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। हम हार नहीं मानेंगे, हमें लड़ना ही होगा। अरविंद, अरविंद, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस मैं गिर गई। क्या तुम ठीक हो? बस प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। आज बादल है, शायद बारिश होगी। अरविंद, क्या तुम ठीक हो? खा लो इसे, तुम्हें भी भूख लगी है। ये क्या है? ये मेंढक है, लो खाओ।
मार्वेन, बारिश हो रही है। ये हमारा आखिरी दिन होगा यहाँ पर। हम यहां से बाहर निकल जाएंगे, इस तरफ से आसान रहेगा, है ना? पर अरविंद, हमें यहां से निकलने के लिए और पानी चाहिए होगा। पता है। अरविंद, क्या तुम ठीक हो? अरविंद! अरविंद! अरविंद नहीं, अभी नहीं, प्लीज, अभी नहीं, थोड़ी देर और। अरविंद, तुम मुझे सुन रहे हो? अरविंद प्लीज, अरविंद, क्या तुम ठीक हो? मुझे क्या हो गया था? तुम बस गिर गए थे। डैम इट, पानी बढ़ रहा है, ये मौका नहीं जाने दे सकते हम। हमें इसे ऊपर आने का इंतजार करना होगा। हिलो मत, हमें इंतजार करना होगा। हिलो मत, आराम करो अरविंद, प्लीज, तुम्हें एनर्जी की जरूरत होगी। हम निकलेंगे यहाँ से, निकलेंगे हम, कोई और मौका नहीं हमारे पास, हम यहाँ और नहीं रुक सकते हैं। बाहर हुए तो वो सब मर चुके हैं। सब नहीं। क्या तुम यहाँ रहना पसंद करोगी? पर हम वहां मर गए तो? ए, पकड़ो मुझे, अगर यहाँ रुके रहेंगे तभी मरेंगे हम। मुझे जोर से पकड़ लो, अगर तुम गिरने लगो तो मुझे पकड़ने की कोशिश करना। क्या हम ऐसे बाहर निकल सकते हैं? एजला, एजला अलग मत होना, मुझे पकड़ो, मुझे जोर से पकड़ो, तुम मुझे जोर से पकड़ो और डरो मत, बस इतना करो। मुझे पकड़ो, मैं यहीं हूँ। हमें एक साथ ऊपर चढ़ना होगा, बस मुझे पकड़े रहना। बारिश तेज होती जा रही है, बारिश तेज होती जा रही है। अरविंद! अरविंद! अरविंद!
मेरी मदद करो, हम रुक नहीं सकते, पानी बढ़ रहा है। तुम मुझे सुन रहे हो ना? हाँ, हाँ। मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर चढ़ो। एजला, एजला, गलती नहीं थी, वो हम में से एक नहीं था, वो इंसान नहीं था, मुझे ये करना ही पड़ा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।
गाड़ी में डालो इसे, पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? बस एक सुई का निशान है।